फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में हम लोगों ने किया था, जस्टिस रोल्स डाउन लाइक वाटर्स एंड राइटियसनेस लाइक अ माइटी स्ट्रीम, यहां तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। लेट अस प्रोसीड फर्दर। फर्दर ही सेज, आई एम नॉट अनमाइंडफुल दैट सम ऑफ यू हैव कम हियर आउट ऑफ ग्रेट ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस। ट्रायल्स का मतलब मुकदमे, परीक्षा, ट्रिबुलेशंस का मतलब टॉर्चर। सो ही सेज, आई एम नॉट अनमाइंडफुल, मैं बेखबर नहीं हूं कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो यहां आए हैं वो काफी परेशानियों, काफी टॉर्चर, काफी प्रताड़ना, अत्याचार और कई सारे मुकदमों से होकर गुजरे हैं। सम ऑफ यू हैव कम फ्रेश फ्रॉम नैरो सेल्स, आप लोगों में से बहुत सारे तो ऐसे भी हैं जो अभी अभी जेल की चार दीवारें से बाहर निकलकर आए हैं। नैरो सेल्स का मतलब जेल में रहने वाले छोटे छोटे कमरे जहां पे कैदियों को रखा जाता है। सम ऑफ यू हैव कम फ्रॉम एरियाज वेयर योर क्वेस्ट फॉर फ्रीडम लेफ्ट यू बैटर्ड बाय द स्टॉर्म ऑफ परसिक्यूशन, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे इलाकों से आए हैं जहां जब आपने अपनी फ्रीडम की आवाज उठाई, जब फ्रीडम का सवाल खड़ा किया, तो आपके ऊपर जैसे तूफानों की झड़ी लग गई, आपके टॉर्चरिंग की, आपके ऊपर अत्याचारों की जैसे तूफान उठ खड़ा हुआ। एंड स्टेगर्ड बाई द विंड्स ऑफ पुलिस ब्रूटलिटी, और पुलिस ने वहां आपके ऊपर इतने अत्याचार किए कि आपके कदम लड़खड़ा गए। यू हैव बीन द वेटरन्स ऑफ क्रिएटिव सफरिंग, आप सभी योद्धा हैं, ग्रेट पीपल हैं, आप सभी वेटरन्स हैं, महायोद्धा हैं, बड़े सोल्जर्स हैं जिन्होंने ये सारी तकलीफें सही हैं कुछ क्रिएट करने के लिए, कुछ नया बनाने के लिए, एक नया सोसाइटी क्रिएट करने के लिए। कंटिन्यू टू वर्क विद द फेथ दैट अनअर्न्ड सफरिंग इज रिडेम्प्टिव, इस विश्वास के साथ आप लोग काम करना आगे भी जारी रखें कि आपके ऊपर जो अनचाहा ये तकलीफ आ पड़ा है, आपके ऊपर बिना बुलाए जो ये विपत्ति आ गई है, इट इज नॉट रिडेम्प्टिव, ये हमेशा नहीं चलने वाली, ये शीघ्र ही खत्म होगी। गो बैक टू मिसिसिपी, गो बैक टू अलाबामा, गो बैक टू जॉर्जिया एंड गो बैक टू लुइसियाना, गो बैक टू द स्लम्स एंड गेटोज ऑफ आवर नॉर्दर्न सिटीज, नोइंग दैट समहाउ दिस सिचुएशन कैन एंड विल बी चेंज्ड। अभी यहां से आप लोग सभी अलग अलग जगहों पे जाएं, वापस जाएं मिसिसिपी, वापस जाएं लौटकर अलाबामा, जॉर्जिया जाएं और लुइसियाना भी जाएं, उन सारी छोटी छोटी झुग्गियों और झोपड़ियों में भी जाएं जो हमारे शहर के नॉर्दर्न साइड में हैं, जो नॉर्दर्न सिटीज में हैं, छोटे छोटे स्लम्स, स्लम्स का मतलब झुग्गी झोपड़ी, जहां पे गरीब परिवार के लोग रहते हैं। नोइंग दैट सम ऑफ दिस सिचुएशन कैन एंड विल बी चेंज्ड, और जब आप लोग जाएं तो ये संदेश लेके जाएं, यह जानकारी लेकर जाएं कि चाहे जैसे भी हो और जब भी हो, ये सिचुएशन बदला जा सकता है और ये बदलेगा। दैट मीन्स हमारी ये जो सिचुएशन है, हम लोग जो अभी जानवरों वाली जिंदगी जी रहे हैं, अभी जो हम लोग स्लेव्स की जिंदगी जी रहे हैं, ये स्थिति बदलेगी। लेट अस नॉट वैलो इन द वैली ऑफ डिस्पेयर, अब हम लोग दुख की इस घाटी में नहीं रहेंगे। आई से टू यू टू डू, मैं आज आप लोगों से वादा करता हूं, माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्त,
दैट इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज एंड फ्रस्ट्रेशन, चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाए, चाहे कितनी भी तकलीफें हो, ऑफ द मोमेंट वक्ती तौर पर आई स्टिल हैव अ ड्रीम, इन सारी तकलीफों के बावजूद, इन सारे डिफिकल्टीज के बावजूद जो कि अभी हम सभी फेस कर रहे हैं, इन सब के बावजूद आई स्टिल हैव अ ड्रीम, मेरा अभी भी एक सपना है। इट इज अ ड्रीम डीपली रूटेड इन द अमेरिकन ड्रीम, और ये सपना सिर्फ मेरा नहीं है, ये हर अमेरिकन के सपने से जुड़ा हुआ है, इसकी जड़ें हर अमेरिकन के सपने से जुड़ी हैं। आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है दैट वन डे दिस नेशन विल राइज अप, कि एक दिन ये देश काफी ऊपर उठेगा, काफी महान बनेगा, लिव आउट टू द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड, और ये अपने संविधान की मीनिंगफुलनेस को साबित करेगा। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अनुसार हमारा ये कंट्री काफी ऊपर तक उठेगा, काफी प्रोग्रेस करेगा। वी होल्ड दिस ट्रूथ्स टू बी सेल्फ एविडेंट, और मेरा विश्वास है कि ये ट्रूथ अपने आप साबित हो जाएगी, दैट ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल, ये सच सबके सामने आएगी, अपने आप साबित हो जाएगी, दैट ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल, कि दुनिया में जितने भी लोग हैं सबको बराबरी का दर्जा देकर पैदा किया गया है, यानी गॉड ने सबको बराबरी का दर्जा दिया है। आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे ऑन द रेड हिल ऑफ जॉर्जिया द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव्स एंड द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव ओनर्स विल बी एबल टू सिट डाउन टुगेदर एट अ टेबल ऑफ ब्रदरहुड। मेरा ये विश्वास है, मेरा ये सपना है कि एक दिन जॉर्जिया के रेड हिल्स पे जो पहले स्लेव्स थे, जो स्लेव्स थे उनके बच्चे, उनके बेटे, और जो पहले स्लेव ओनर रह चुके हैं, उन स्लेव्स के मालिक रह चुके हैं, मास्टर रह चुके हैं, उनके बेटे भी, यानी नौकरों के बेटे, स्लेव्स के बेटे और ओनर्स के, मास्टर्स के बेटे, सब साथ बैठ सकेंगे एक ही टेबल पर, और वो टेबल होगा टेबल ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे का। दैट मीन्स ये बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं ब्रदरहुड की, सामाजिक एकरूपता की, जब कोई डिफरेंस नहीं होगा, जो आज का स्लेव ओनर है और जो आज के स्लेव्स हैं, उन दोनों के बेटे, उन दोनों की आने वाली पीढ़ियां एक साथ बैठ सकें, भाईचारे के साथ, एक दूसरे की बराबरी के साथ। I have a dream that one day even the state of Mississippi, a desert state sheltering with heat of injustice and oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. मेरा ये सपना है कि मिसिसिपी जैसा एक स्टेट भी, जो कि आज एक डेजर्ट स्टेट है, ऐसा डेजर्ट स्टेट जो कि इनजस्टिस का मतलब अन्याय और अत्याचार, ऑपरेशन मीन्स अत्याचार, जो कि अत्याचार और अन्याय की गर्मी से तप रहा है, विल बी ट्रांसफॉर्म्ड, वो जगह भी बदल जाएगी और बदलकर एक ओएसिस बन जाएगी, ओएसिस ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस। ओएसिस का यहाँ पे हम लोग दो मीनिंग ले सकते हैं, ओएसिस मीन्स हीवन ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस, या फिर ओएसिस में आपको बताता हूँ, रेगिस्तान में, बड़े बड़े रेगिस्तानों में कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ थोड़ी हरियाली होती है, पीने के लिए पानी होता है, जहाँ थोड़ी आबादी होती है, उस जगह को ओएसिस कहते हैं। तो इन्होंने कहा है, स्पीकर ने कहा है कि मिसिसिपी जैसा स्टेट जहाँ पे सबसे ज्यादा इनजस्टिस है, सबसे ज्यादा ऑपरेशन है, वो जगह चल रहा है इनजस्टिस, दैट मीन्स अन्याय और अत्याचार की गर्मी से, वो भी एक दिन हीवन ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस बन जाएगा, न्याय और आजादी का हीवन बन जाएगा। आई हैव अ ड्रीम दैट माई फोर चिल्ड्रन विल वन डे लिव इन अ नेशन वेयर देयर विल नॉट बी जज्ड बाय कलर ऑफ अ स्किन बट दे देयर द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर। मेरा एक सपना है कि मेरे चार बच्चे
एक दिन एक ऐसे राष्ट्र में, ऐसे देश में रह रहे होंगे जहां किसी भी व्यक्ति को उनके स्किन के कलर से नहीं बल्कि उनकी दिल में रहने वाली अच्छाइयों की वजह से पहचाने जाएंगे। आई हैव अ ड्रीम टुडे, मेरा एक सपना है, आज मेरा एक सपना है। आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे, मेरा ये सपना है कि एक दिन द स्टेट ऑफ अलाबामा हुज गवर्नर लिप्स आर प्रेजेंटली ड्रिपिंग विथ वर्ड्स ऑफ इंटरपोजिशन। मेरा एक सपना है कि अलाबामा जैसा स्टेट जहां के गवर्नर लगातार हम लोगों के दिल दुखाने वाले झूठे सच्चे झूठ की अपनी होठों से झड़ी लगा रहे हैं, विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सिचुएशन, वहां भी ऐसी स्थिति आ जाएगी जहां छोटे छोटे ब्लैक बॉयज एंड ब्लैक गर्ल्स विल बी एबल टू ज्वाइन हैंड्स विद व्हाइट बॉयज एंड व्हाइट गर्ल्स, जहां ब्लैक बॉयज और बॉय गर्ल्स हाथ में हाथ डाल करके व्हाइट बॉयज और व्हाइट गर्ल्स के साथ खेल सकेंगे, वॉक टुगेदर और चल सकेंगे सिस्टर्स एंड ब्रदर्स की तरह। आई हैव अ ड्रीम टुडे। आई हैव ए ड्रीम टुडे, आज मेरा एक सपना है। आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे एवरी वैली शैल बी एक्सॉल्टेड, मेरा एक सपना है कि जहां जहां भी पतन है, जहां जहां भी वैली है, गहराइयां हैं, सबके सब ऊपर उठेंगे। एंड एवरी हिल एंड माउंटेन्स शैल बी मेड लो, और जितने भी बड़े बड़े माउंटेन्स हैं उनकी हाइट घटेगी। यहां पे सचमुच में किसी वैली की गहराई को खत्म करके ऊपर उठाना नहीं है, या फिर किसी माउंटेन को सचमुच में काट काट के छोटा करना नहीं है। यहां पे उनके कहने का, स्पीकर के कहने का मतलब है कि एक दिन ऐसा आएगा जो आज समाज में अपने रेसिज्म की वजह से अपने आप को काफी ऊंचा समझते हैं, और वे लोग जो स्लेव होने के चलते समाज में काफी नीची हैसियत रखते हैं, उन दोनों का पोजीशन बराबर होगा। माउंटेन दैट मीन्स व्हाइट पीपल विल कम डाउन एंड द स्लेव्स ब्लैक पीपल विल राइज अप एंड द क्रूकेड प्लेसेस विल बी मेड स्ट्रेट, और जितने टेढ़े मेढ़े स्थान है, जो भी गहराइयां हैं, ऊंचाइयां हैं, ये जो ऊबर खाबड़ है, वो सब के सब प्लेन समतल में बदल जाएगा। एंड द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड शैल बी रिवील्ड, और तब हमें ऊपर वाले की ताकत का अंदाजा होगा। एंड ऑल फ्लेश शैल सी इट टुगेदर, और हम लोग सभी जितने भी जिंदा लोग हैं, जितने भी जीवित लोग रहेंगे, वो भगवान की, लॉर्ड की ताकत को देखेंगे कि सारे डिफरेंसेस खत्म हो जाएंगे। ऊपर वाला अपनी ताकत से, हम लोगों की मेहनत से सारे डिफरेंसेस को खत्म करेगा। दिस इज आवर होप, यही हमारी उम्मीद है, एंड दिस इज द फेथ, और यही हमारा विश्वास है, विथ विच आई रिटर्न टू द साउथ। उसी विश्वास के साथ मैं आज यहाँ साउथ यानी कि सदर्न सिटी में आया हूँ आप लोगों के बीच। विथ दिस फेथ वी विल बी एबल टू हीव कट आउट एट द माउंटेन ऑफ डिस्पेयर ए स्टोन ऑफ होप, और इसी गहरे विश्वास के साथ मैं इस दुख के पहाड़ को काट करके छोटे स्टोन में बदल देने वाला हूं। विद द फेथ वी विल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म द जैंगलिंग डिस्कॉर्ड ऑफ आवर नेशन इनटू ब्यूटीफुल सिम्फनी ऑफ ब्रदरहुड, और अपने इसी गहरे विश्वास के आधार पे मैं जो अभी लोगों के बीच गहरे मतभेद हैं, हमारे देश के लोगों के बीच जो गहरे मतभेद हैं, उन सब को समाप्त करके मैं एक ब्यूटीफुल सिम्फनी, ब्यूटीफुल म्यूजिक में कन्वर्ट कर दूंगा, म्यूजिक ऑफ सिम्फनी ऑफ ब्रदरहुड। विथ दिस फेथ, सिम्फनी मीन्स म्यूजिक, ब्यूटीफुल सिम्फनी ऑफ ब्रदरहुड दैट मीन्स भाईचारे का खूबसूरत संगीत। विथ दिस फेथ वी विल बी एबल टू वर्क टूगेदर, इसी विश्वास के साथ हम लोग साथ मिलकर काम कर सकेंगे। टू प्रे टूगेदर, हम लोग साथ मिलकर प्रार्थना कर सकेंगे। टू स्ट्रगल टूगेदर, हम सभी
मिल करके एक साथ स्ट्रगल करेंगे, संघर्ष करेंगे टू गो टू जेल टुगेदर। हम लोग सभी अपने मकसद को पाने के लिए अगर सरकार हमें जेल में डालेगी तो हम लोग साथ में जेल भी जाएंगे। टू स्टैंड अप फॉर फ्रीडम टुगेदर, और हम सभी मिलकर एक साथ आज़ादी की मांग रखेंगे। नोइंग दैट वी विल बी फ्री वन डे, ये जानते हुए कि एक न एक दिन हम लोग आजाद होंगे। दिस विल बी द डे व्हेन ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रन विल बी एबल टू सिंग विद अ न्यू मीनिंग, और ये वो दिन होगा जब एक ही भगवान के हम सभी जितने भी बच्चे हैं वे सभी एक साथ एक स्वर में हम लोग गा सकेंगे न्यू मीनिंग, और उसका एक नया मतलब होगा। माई कंट्री दिस इट इज ऑफ थ्री स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी, और हमारा ये जो कंट्री है ये तीन स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी ऑफ थ्री आई सिंग। दैट मीन्स माई कंट्री इट इज ऑफ थ्री स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी ऑफ थ्री आई सिंग, ये उनका नेशनल एंथम है, उसी के बारे में बोल रहे हैं हम लोग। इस नए मीनिंग का नया नेशनल एंथम गाएंगे, लैंड वेयर माई फादर्स डाइड, हम लोग गाएंगे लैंड वो जमीन वो जगह जहाँ हमारे फादर्स ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, लैंड ऑफ पिलग्रिम्स प्राइड, ये वो जगह है जहाँ पे पिलग्रिम्स यानी पिलग्रिम्स का मतलब तीर्थ यात्रा करने के लिए अपना रिलीजियस वर्शिप करने के लिए अलग अलग जगह से लोग आते हैं, फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड हर जगह से लोग आते हैं, लाइक फ्रीडम रिंग, और इस हर जगह को दूर दूर तक फ्रीडम की आवाज़ को गूंजने दो। एंड इफ अमेरिका इज टू बी ग्रेट नेशन दिस मस्ट बी कम ट्रू, और अमेरिका को अगर एक दिन ग्रेट नेशन बनना है तो मेरा ये सपना सच होगा। सो लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द प्रोडिगस हिल टॉप ऑफ न्यू हैम्पशायर, इसलिए इस फ्रीडम की आवाज को उठने दो उस प्रोडिगस उस पावरफुल हिल टॉप से। कहाँ का हिल टॉप? न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर के पहाड़ों में इन आवाज को गूंजने दो, फ्रीडम की आवाज को। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द माइटी माउंटेन्स ऑफ न्यूयॉर्क, और इस फ्रीडम की आवाज को गूंजने दो न्यूयॉर्क के ताकतवर माउंटेन्स में भी। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द हाइटनिंग एलिगेनीज ऑफ पेंसिल्वेनिया, फ्रीडम की इस आवाज को पेंसिल्वेनिया में भी गूंजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम स्नो कैप्ड रॉकीज ऑफ कोलोराडो, और फ्रीडम की इस आवाज को कोलोराडो में भी गूंजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द कर्वेसियोस पीक्स ऑफ कैलिफोर्निया, और इसी फ्रीडम की आवाज को कैलिफोर्निया में भी गूंजने दो। बट नॉट ओनली दैट, लेकिन सिर्फ फ्रीडम की आवाज उठाने से कुछ नहीं होगा। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम अ स्टोन माउंटेन ऑफ जॉर्जिया, जॉर्जिया से फ्रीडम की आवाज। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम लुकआउट माउंटेन ऑफ टेनेसी, और टेनेसी के माउंटेन में भी आवाज को गूंजने दो। हर जगह स्पीकर के कहने का मतलब है अमेरिका के कोने कोने में फ्रीडम की आवाज, फ्रीडम की आवाज, स्लेव्स की फ्रीडम की आवाज और इक्वलिटी की आवाज को गूंजने दो। हर जगह फ्रीडम फ्रीडम की फ्रीडम फ्रीडम के नारे लगने दो। फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम रिंग, हर जगह से फ्रीडम 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 का जयगान आने दो। व्हेन वी लेट फ्रीडम रिंग, जब ये आवाज हर जगह से उठने शुरू हो जाएगी। When we let it ring from every village, जब हर गांव से, every hamlet, हर झोपड़ियों से, every estate, हर estate से, and every city, हर शहर से, जब ये freedom की आवाज गूंजेगी, we will be able to speed up that day. उस दिन हमारा ये आंदोलन अपना speed पकड़ेगा। When all of God's children, जब ऊपर वाले के भगवान के सारे बच्चे ब्लैक मैन हो चाहे व्हाइट मैन हो, चाहे ज्यूज हो चाहे जेंटाइल्स हो, चाहे प्रोटेस्टेंट हो चाहे कैथोलिक हो, ये सब के सब विल बी एबल टू ज्वाइन हैंड्स, सब लोग अपना हाथ एक दूसरे के हाथों में डालकर हाथ मिला करके एंड सिंग इन द वर्ड्स ऑफ ओल्ड निग्रो स्पिरिचुअल, और अपने उसी निग्रो तरीके से गाएंगे फ्री एट लास्ट। तब हम लोग ये नारा लगा सकेंगे आखिरकार आज़ादी मिल गई, फ्री एट लास्ट, आखिरकार हम लोग आजाद हो गए। थैंक गॉड ऑलमाइटी, भगवान तू सबसे बड़ा ताकतवर है, वी आर फ्री एट लास्ट, आखिरकार हम लोग आजाद हो ही गए,
हमें आजादी मिल गई। अब्रिस्ट का मतलब ये पार्ट लिया गया है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के एक स्पीच से, दैट वाज 17 मिनट स्पीच, और ये स्पीच दिया गया था लिंकन मेमोरियल के सीढ़ियों के ऊपर खड़े होकर के। ये बड़ा फेमस स्पीच है, वर्ल्ड फेमस स्पीच है, दुनिया भर के लोग इस यादगार स्पीच को याद रखते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि छोटे बच्चों को भी ये जोशीला भाषण पसंद आया होगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।